ये तो हर जगह, ये पूरी देश और दुनिया के सामने लूट है, चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है। और बाहर तो इनके लोगों ने चोरी की, बेईमान अफसरों ने। और आज जो स्पीकर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भी धांधली की जा रही है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष पद को चुनने के लिए 51 साल बाद बिहार में जो है वोटिंग चल रही है। इस वोटिंग के बीच में तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि जो है स्पीकर के साथ साथ जो जो नियम है, स्पीकर उस नियम के हिसाब से नीतीश कुमार को सदन के बाहर नहीं भेज रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी नीतीश कुमार पर जो है वो धांधली करने का आरोप लगाया है। इन दोनों का आरोप ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनादेश बदलाव का था, लेकिन जनता के मतों की चोरी, जनादेश की चोरी करके नीतीश कुमार सत्ता में आ गए और अब अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी चोरी की जा रही है। क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का और अजीत शर्मा का, सुनिए इस बयान। नमस्कार सभी बिहार के लोगों को और देश के लोगों को। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई, और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है, और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं, और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है, और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बनाकर के पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा। और लगातार ध्वनि मत भी करा दी गई, इसके बाद हम खड़े होकर के ऑब्जेक्शन किए कि जो सदन का सदस्य नहीं है, बकायदा अनाउंस किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा, स्पीकर द्वारा, कि अगर वोट का समय अगर सदन का सदस्य जो नहीं है वो व्यक्ति बाहर चला जाए उसके बाद दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और कई बार हर जगह ऐसा हुआ, ये तो हर जगह, ये पूरी देश और दुनिया के सामने लूट है, चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है। और बाहर तो इनके लोगों ने चोरी की, बेईमान अफसरों ने। और आज जो स्पीकर विधानसभा का चुनाव हो रहा है इसमें भी धांधली की जा रही है, क्योंकि आप देखे होंगे कि ध्वनि मत जो एमएलसी है, जो एमएलसी नहीं है, दो दो व्यक्ति मंत्री के नाम पर बैठे हैं और वो ध्वनि मत में भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके आदमी कम है संख्या, हम लोग के कैंडिडेट के सपोर्टर्स बहुत अधिक है। जैसे चुनाव में मतगणना के समय चोरी की, वैसे यहाँ ये लोग चोरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फर्जी वोटर खुद बन करके बैठे हैं, मुख्यमंत्री खुद बैठे हैं, अशोक चौधरी जी बैठे हैं, शहरी जी कहीं के सदस्य ने वो बैठे हैं, और बिना कोई विधायक ने लगता है पीछे कुछ लोगों को बैठा के रखे हैं। अटेंडेंस जारी किया जाए, साइन दिखाया जाए। हम पूरा यकीन रखते हैं कि उनकी संख्या कम है, गुप्त मतदान होनी चाहिए, इसलिए कि आप हम लोग जीतेंगे महागठबंधन, वो हारेगा, इसलिए वो धांधली कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको न्याय दिलाइए, और देश और बिहार की जनता इसको देख रही है।